फाइनली आईफोन 13 सीरीज इंडिया में आ चुकी है दोस्तों। आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं चारों फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में हम पूरा कंपैरिजन देखेंगे, जानेंगे कौन सा बेहतरीन ऑप्शन निकल के आया है या फिर दोस्तों आईफोन 12 सीरीज बेहतरीन है, क्योंकि दोस्तों बजट भी बहुत मैंडेटरी बन जाता है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और हाँ एक बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जैसे ही प्री बुकिंग स्टार्ट होते हैं हम आपके लिए लेके आने वाले हैं आईफोन 13 का रिव्यू, अनबॉक्सिंग, सारा कुछ सिर्फ हमारे चैनल पे दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे हम दोस्तों आईफोन 13 सीरीज़ के प्राइसिंग से। 69,900 रुपीज़ से शुरू होता है आईफोन 13 मिनी। ये सारे दोस्तों 128 GB के वेरिएंट से, बेसिक वेरिएंट से। और आईफोन 13 शुरू होता है दोस्तों 79,900, 10,000 रुपये आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आईफोन 13 प्रो आपको देखने को मिलता है 119,900 रुपीज़ का, यानी 120K का। और 10,000 रुपये ऐड करते हो तो दोस्तों आपको मिल जाता है 129,900 रुपीज़ में आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो ये 128 GB की शुरुआत है। और जो टॉप वेरिएंट है आईफोन 13 सीरीज़ का, वो आपको मिलता है 179,900 रुपीज़ का, जो कि 1 TB का स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत हो जाता है। 1 TB स्टोरेज का आईफोन आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी 128 GB, 256 GB, 512 GB, ये तो तीन आपको बेसिक वेरियंट्स देखने को मिल ही जाते हैं। अभी अनबॉक्सिंग के लिए फ़ोन तो अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन द बॉक्स हमें क्या मिलेगा? आईफोन 13 सीरीज़ का फ़ोन विथ iOS 15। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड न्यू iOS 15 भी आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन, जो कि कोई पढ़ने वाला नहीं है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों USB-C टू लाइटनिंग केबल। और उसके बाद आपको मिलेगा खाली डब्बा, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। अगेन चार्जर, इस बार एनवायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस बार हम चार्जर नहीं देने वाले हैं, ऐसा आईफोन ने कह दिया है। तो अगेन चार्जर के लिए ज़्यादा पैसे दो अगर आप नए आईफोन यूज़र है तो। और हमेशा की तरह बिल्ड क्वालिटी पे बहुत बेहतरीन काम करता है आईफोन। मेटलिक फ्रेम, मेटलिक बॉडी होने वाली है। राउंडेड कॉर्नर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में जो कर्व डिस्प्ले है या फिर राउंडेड कॉर्नर से एजेस पे, वो बहुत बेहतरीन डिज़ाइन लगती है दोस्तों। इसी के कारण आईफोन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और डिज़ाइन के बाद डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 5.4 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है आईफोन 13 मिनी में, 6.1 इंच का आपको आईफोन 13 में। और ये दोनों सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एप्पल का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले कहा जाता है। वही दोस्तों 6.1 इंच का आईफोन 13 प्रो और 6.7 इंच का बड़ा वाला दोस्तों आईफोन 13 प्रो मैक्स आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये भी सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ तो आता ही है, लेकिन विथ प्रोमोशन, यानी आपको इसमें 120Hz का एडप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। तो इस बार आईफोन ने 120Hz इंट्रोड्यूस कर दिया है फाइनली, 90Hz नहीं सीधा 120Hz। तो इसके लिए आईफोन 13 प्रो या फिर प्रो मैक्स एक यूनिक फ़ोन बन जाता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 सीरीज़। और अगर पानी धूल वूल अगर बहुत जाती है, आप गिराते हो या फिर पानी में फेंकते हो फ़ोन, तो IP68 रेटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी से थोड़ा सा उसे बचा सकते हो, डस्ट से भी बचा सकते हो, तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। फ़ोन के वेट के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत लाइट वेट आपको आईफोन 13 मिनी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 140 ग्राम सिप कंपनी दावा करती है। और उसके बाद 13 आपको 173, 203 ग्राम्स प्रो और प्रो मैक्स आपको 238 ग्राम, यानी कि लाइट वेट और हेवी फ़ोन आपको इसी सीरीज़ में देखने को मिलने वाले हैं। और इसी से हम जंप करते हैं गेमिंग के लिए, यानी कि इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है या फिर आप चिप कह सकते हो, गेमिंग कैसे होने वाली है। तो इस बार हमेशा की तरह नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है आईफोन 13 सीरीज़ में। जी हाँ दोस्तों, आपको A15 बायोनिक चिप इंट्रोड्यूस की गई है। पिछले साल A14 आई थी, इस बार A15 इंट्रोड्यूस की गई है। अब इसमें खासियत क्या है, 6 न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं CPU के लिए, और GPU के लिए 4 नए कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जो AI/ML के टास्क है, जो कि सीरी हो गया या फिर अलग अलग जो AI/ML बेस्ड टास्क है, उसके लिए दोस्तों 16 कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर द न्यूरल इंजन। तो ऐसा कुछ लॉन्च इवेंट में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस बार प्रोसेसर A14 से 20-30% ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, ऐसा कंपनी दावा करती है। तो इस बार BGMI के लिए
एक लेवल अप आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। और इसी लॉन्च में एक बेहतरीन हाइलाइटेड बात लगी, वो थी कैमरा की। हमेशा की तरह आईफोन कैमरा पे बहुत अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल काम करता है। जो चारों फ़ोन हैं सबकी कैमरा क्वालिटी या फिर जो इमेज में जो डिफरेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आईफोन 13 मिनी और 13 में 12 मेगापिक्सल के ड्यूअल कैमरा आपको रियर साइड में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको वाइड और अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। और ये कुछ फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और वही दोस्तों आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में बात करें तो पीछे के साइड में ट्रिपल कैमरा है जो कि 12 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको टेलीफोटो, वाइड, अल्ट्रा वाइड, इसी में आपको माइक्रो फोटो भी निकालने की फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नेक्स्ट लेवल फोटोज आने वाले हैं, जो बहुत सारे फीचर्स है आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं। अभी हम कैमरा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जैसे ही फ़ोन हाथ में आता है तो हम कैमरा का सीधा रिव्यू करेंगे। चारों फ़ोन में आपको OIS भी दिया गया है और उसी के साथ प्रो और प्रो मैक्स में आपको सेंसर शिफ्ट सिनेमैटिक मोड इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे आप बेहतरीन वीडियोग्राफी कर सकते हो। अगर आपको वीडियोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग के लिए लेना है तो सिनेमैटिक मोड आपको बहुत काम आने वाला है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल बात बन जाती है। और बाकी 5G है और 5G मल्टीपल बैंड्स को सपोर्ट करता है, एक नहीं दो नहीं 5, 6, 10 से भी ज़्यादा मल्टीपल बैंड्स को सपोर्ट करता है। स्टेरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और उसी के साथ जो अलर्ट स्लाइडर है आईफोन का, रिंग और साइलेंट का, वो देखने को मिल जाता है। और आखिर में मल्टीपल कलर्स, इस बार ब्लू कलर बहुत बेहतरीन है, यूनिक है। मेरे हिसाब से इनिशियली मुझे आईफोन 13 के जो स्पेक्स है या फिर ओवरऑल प्राइसिंग है वो मुझे बेहतरीन लग रही है आईफोन 13। अगर आपको प्रो मैक्स पसंद आया तो आप वहाँ जा सकते हो। और 13 और 13 मिनी के लिए थोड़ा सा दोस्तों आईफोन 12 के साथ हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। कि आपको ये वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर बनाएंगे, बस आप हमें कमेंट में बताना है या लाइक भी कर सकते हो आप। और बाकी आपको क्या करना है, और कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आईफोन 13 की अनबॉक्सिंग रिव्यू, सारा माल लेके आता हूँ दोस्तों।